श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू वाक्य बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे ठाकुर जी की 3 नंबर की ये प्यारी सी ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक देखेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास बहुत ही प्रिटी पर्पल कलर जो आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड में, ये प्रिंट में फैब्रिक है। मैं इसे 3 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बनाऊंगी। साथ ही में मैंने ये देखिए आरकंडी भी ले ली है। अगर आप आरकंडी नहीं यूज करना चाहते तो आप इसमें अस्तर लगा सकते हैं। अस्तर भी यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ऐसे भी ड्रेस बना सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे कि मेजरमेंट्स हम किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से देखिए 2 फोल्ड कर लूंगी। यहाँ से ओपन है हमारा और यहाँ से इसे मैं कर लेती हूँ 4 फोल्ड। कॉटन का फैब्रिक है, कट करने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड किया है। अब ये देखिए 3.5 इंच हमारा सफिशियंट रहेगा 3 नंबर की ड्रेस के लिए। देखिए मैं ये कट लगा दूंगी। ये हमारा घेरा रहेगा। लंबाई हम देख लेते हैं, पहले चौड़ाई हो गई हमारी, लंबाई रहेगी ये देखिए 16 है, तो 16 और 16 32 हो गई सिंगल फोल्ड पे। 30 इंच हम रखते हैं तो 2 इंच का मार्जिन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंच का मार्जिन हम भेज देंगे उसके अंदर। उसके बाद निकालेंगे हम पगड़ी के लिए 1 पट्टी और 1 पट्टी चोली और अस्तर के लिए। ये देखिए इजीली हमें ये कट दिख रहा है। ये देखिए इस कट से मैं पगड़ी के लिए फैब्रिक निकाल लूंगी और चोली के लिए फैब्रिक दूसरी पट्टी से हो जाएगा। मैं आपको इसकी पगड़ी बनानी भी बताऊंगी इसी वीडियो में। होप फ्रेंड्स कि आप बना लेंगे इजीली। ये पट्टी मैं पगड़ी के लिए रखूंगी। पगड़ी बनाने के लिए मैं देखिए 1 यहाँ से फोल्ड, 1 फोल्ड यहाँ से और 1 फोल्ड ऐसे। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लूंगी। ये हमारी पगड़ी के लिए पट्टी हो जाएगी, ये हमारी पट्टी हो जाएगी चोली और नेफे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे साइड पर रखते हैं और ये देखिए इस पट्टी को ओपन करेंगे और आरकंडी वाली पट्टी को ओपन करेंगे। फ्रंट साइड को हम अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच लगाएंगे। ये देखिए ऐसे आरकंडी को रख के फ्रंट साइड पर हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड करके सीधा कर लिया है और यहाँ से हम इसे ऐसे क्रीज बनाते हुए सबसे पहले हम प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए ये डाली हमने प्लेट्स, ये देखिए बिल्कुल पांच पांच प्लेट्स डालेंगे। 3 नंबर का बनाने के लिए घेरा हमें 4.5 तक ऊपर प्लेट्स का एरिया चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा बताने का तरीका समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने ठाकुर जी की ऐसी ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाते रहें और अपने ठाकुर जी को पहनाते रहें। अभी मैं आपको इसका यहाँ से ऊपर घेरा नाप के दिखाती हूँ कि कितना होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल हमारा 4.5 तक आया है। ये देखिए बिल्कुल 4.5।
यही मैं कह रही हूँ आपको, 4.5 या 5.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। ऊपर से हम बिल्कुल ऐसा कट लगा देंगे ताकि जो हमारा घेर है, आपको दिखाते हैं कितना प्यारा मुड़ेगा, उसे बहुत ही प्यारा मुड़ना होगा। ये देखिए, और ये ड्रेस अगर आप अपने ठाकुर जी को ऐसे ही पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनेगी। ये देखिए कितनी सिंपल है, घेरा बनाना बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ी सी चुनटी डालनी है और घेरा आपका रेडी है। आप देखते हैं हम चोली कैसे बनानी है। चोली बनाने के लिए देखिए मैंने ये पट्टी कट की थी, इस पट्टी की हम अब लंबाई चौड़ाई देखते हैं। 3 नंबर के लिए 10.5 इंच बहुत है, तो 10.5 इंच की मैं ये पट्टी कट कर रही हूँ। देखिए, और इसे एक इधर और बीच में लगा देंगे हम यहाँ पर ऐसे सिलाई। ये देखिए अब हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए पहले फैब्रिक को इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया, यहाँ रखा और ऐसे सिलाई लगाई। सिलाई को 2 बार जरूर लेकर जाएंगे, नहीं तो फिर हमारी सिलाई की जो है निकलने लग जाएंगी, उसका फायदा नहीं है। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से पीछे लगाई है सिलाई, बीच में रखेंगे हम ये गोटे वाली डोरी को, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हमें काफी सफाई से लगानी होती है क्योंकि इसी सिलाई से हमारी ड्रेस की गेटअप नजर आती है कि किस तरीके से हमारी ड्रेस की गेटअप है। एक बार बैक में आएंगे सिलाई लगा के और फिर बीच में हम ये चोली को इस तरीके से सेंटर में रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर दिए मैंने साथ साथ। अब इस ड्रेस को उठाया और इन दोनों को पुश किया इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाई और फिर ये दोनों कॉर्नर्स को उठाया। ये देखिए ये दोनों कॉर्नर्स को उठा करके एक सिलाई में यहाँ लगाऊंगी। ये देखिए एक बार फिर से, और ये देखिए अब हमारी ड्रेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं एक चोली जो हमारी पगड़ी होती है, ये देखिए हमारी चोली, ये ड्रेस कितनी प्रिटी लग रही है, इसे हम साइड पर रखेंगे और अब हमारी पगड़ी के लिए जो हमने पट्टी कट की थी उस पट्टी को उठा करके अब हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये जो सिलाई लगानी है आपको बताया था मैंने, ऐसे और ऐसे करके ये सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए पगड़ी के लिए मैंने इस तरीके इतने इंच का एक 3.5 इंच की एक चौड़ी सी ये पट्टी कट की है और 1/2 इंच, ठीक है। अब इसकी हम कर्व्स करेंगे साइड से इस तरीके से और इस तरीके। उसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं आप। इसके ऊपर अब हम ग्लू लगा करके इसे इस तरीके से पेस्ट करेंगे और एक जगह से ऐसे कवर कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने ये बेस बनाया है इसे मैंने अंदर की तरफ फैब्रिक लगाया है और बाहर की तरफ से थोड़ा थोड़ा ऐसे कवर किया है और ऊपर ग्लू गन से ये हमने गत्ता लगाया है। अब इसके ऊपर मैं आपको जैसे मैंने ये कट किया है सेम वैसे ही इसको आप बना करके चिपका सकते हैं। ये मैंने पहले ही बना करके रखा हुआ था, इसके ऊपर मैं आपको पगड़ी लपेटनी सिखाऊंगी।
अब हम पगड़ी बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए जहां हमारा ये टर्निंग पॉइंट है बिल्कुल इसके बिल्कुल बैक में, ये यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, एकदम भर भर के ग्लू नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की हल्की ग्लू लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से जॉइंट किया। उसके बाद थोड़ी सी ग्लू मैं इस तरफ लगाऊंगी ताकि मेरी अच्छे से गर्म नहीं हुई है ग्लू। अब बस यहाँ से मैंने ये देखिए ग्लू लगाई और इसे इसी की शेप से यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। फिर हम बैक पे आए, बैक में ये देखिए जहाँ हमने ये लगाई है बिल्कुल इसको ऊपर चढ़ाते हुए एक बार इधर, फिर पीछे से आए, ये देखिए ये फ्रंट में बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए ये यहाँ से, ये देखिए ये फ्रंट है हमारा, ये बैक हो गया। अब ये लास्ट है जो कि लास्ट आएगी, यहां पे मैं ग्लू लगाऊंगी एक बारी, ये देखिए ऐसे। यहां से हमने फिनिशिंग देनी है, देखिए ऊपर से हमारा ये दिख रहा है, इसे हमने ऐसे कवर कर देना है बिल्कुल। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, एकदम से नहीं आएगी, मुझे भी काफी टाइम लगा था पगड़ी सीखने में। अब ये देखिए यहां पे लगाएंगे और इसे अंदर ऐसे टक कर देंगे। मैं ग्लू लगा लेती हूँ पहले, ये देखिए अंदर की तरफ मैंने इसे ग्लू लगाई और फिर ये बैक से आते हुए इसे मैं अंदर की तरफ ऐसे टक कर दूंगी। ये देखिए, ये हमारी पगड़ी अब रेडी हो गई है और कितना प्यारा लुक आया है इस पगड़ी का आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ प्यारी बैठे सीखने के लिए जुड़े रहिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और अपने ठाकुर जी के लिए प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनाते रहें। जय श्री कृष्णा।